जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि सीएम योगी ने किए 5 बड़े ऐलान और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कुछ बड़े बदलाव भी। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला ऐलान तो देखिए, 9 ही दिनों तक नवरात्रि में जेल के अंदर जो भी कैदी हैं, बंदी हैं, उनके लिए फलाहार की निःशुल्क होगी व्यवस्था। योगी सरकार ने निर्देश दिया कि नवरात्रि के 9 ही दिन व्रत रखने वाले बंदियों के लिए विशेष फलाहार और खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट, त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला, पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर अगले 1 महीने तक लगाई रोक, किसी को नहीं मिलेगी छुट्टी। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक यानी कि अगले 1 महीने तक उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय पर कार्यालय आएं और किसी भी कार्यालय में कोई भी फाइल 3 दिन से अधिक समय तक लंबित न हो। यदि किसी तरह की समस्या हो तो डीजीपी कार्यालय, गृह विभाग या सीधे मुझसे आकर मिल सकते हैं, लेकिन अनिर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए आमजन के साथ। और खबर देखिए, योगी सरकार का ही बड़ा फैसला है, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी तनख्वाह। यूपी के लगभग 32,624 कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया है। ये सभी वो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा फीड करना था। अब तक उत्तर प्रदेश के 7,93,343 कर्मचारियों ने ब्यौरा दे दिया है। और खबर देखिए, नवरात्रि पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप खरीदते हो प्रॉपर्टी तो नियम बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जमीनी फ्रॉड को कम करने के लिए विभिन्न संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर यूपी सरकार ने सख्ती बरत दी है। फ्रॉड के मामलों को देखते हुए नए नियम बनाए हैं। स्टाम्प ड्यूटी से लेकर रजिस्ट्रेशन, पार्टेशन, इन सब पर बड़ा एक्शन लिया है। अब आपस के अंदर फैमिली में अगर बंटवारा होता है तो फैमिली संपत्ति का पंजीकरण बहुत सस्ता होगा। इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि पहले 7% स्टाम्प शुल्क लगता था। इतना ही नहीं, पारिवारिक संपत्ति में मालिक अब एक साथ तहसीलदार के सामने अपनी सहमति देंगे कि फला प्रॉपर्टी का विभाजन फला तरीके से हुआ है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने साफ कर दिया कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अब करना होगा ये काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास, नीतियाँ, अब तक की प्रगति की समीक्षा है, जिसमें कई सारे बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि भूमि अधिग्रहण और अन्य माध्यमों से लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सिंगल विंडो पे आमजन को मिले सारी सुविधाएं, जैसे अगर आप कोई उद्योग धंधा खोलते हो तो आपको NOC चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, कंपनी रजिस्टर करवानी है, कागजात तैयार करवाने हैं, तो ये सब चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का किया ऐलान, डिलाइट इंडिया का प्रस्तुतीकरण किया, जिसमें भूमि की उपलब्धता, आधारभूत ढांचे का विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया। प्रदेश में मिशन मोड पे कार्य किए जाएंगे ताकि विकसित भारत के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका नजर आए। और तो और, समृद्धि के लिए व्यापक विकास परियोजनाएं भी लाई जाएगी। प्रदेश सरकार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, निवेश, रोजगार सृजन में 100% योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। और बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में खुलेंगे नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज, निर्माण कार्य तेजी से जारी हो चुका है। अयोध्या, बहराइच, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 25 नर्सिंग कॉलेज में अगले सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में 20 जिलों में कॉलेजों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और 5 जिलों में निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। कौन कौन से जिले हैं इसमें शामिल, तो वो भी आपको बता दें। योगी सरकार की बड़ी पहल, छोटे जिलों पर रहेगा बड़ा फोकस, जिसमें शामिल है मिर्जापुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, एटा, अमेठी, ललितपुर, बिजनौर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, और देवरिया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर और पीलीभीत के अंदर निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। नर्सिंग कॉलेज बनने से बड़े फायदे होंगे, स्थानीय छात्रों को उच्च स्तरीय नर्सिंग शिक्षा मिलेगी और मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार की उम्मीदें नजर आएगी। वहीं देखिए, कुंभ मेले को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रयागराज के अंदर कुंभ मेले को लेकर मांस मदिरा की बिक्री पर रहेगी रोक। कुंभ मेले को लेकर गंगा यमुना को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया है। सनातन संस्कृति के साक्षात्कार का इस बार होगा आपको अनुभव। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम, होम स्टे को प्रोत्साहित करेगी योगी सरकार, मेला क्षेत्र का बढ़ेगा दायरा, संत समाज से भी सीएम का आह्वान आप देख सकते हो, संतों की समाधि के लिए भूमि भी आरक्षित की गई है। और योगी सरकार का मास्टर प्लान देखें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे भरेंगे विकास की उड़ान,
जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी अब एरो सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के विकास को लेकर मास्टर प्लान 2041 तैयार किया है, जो कि क्षेत्र के विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस योजना के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े क्षेत्र को एक समन्वित तरीके से विकसित करना है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। योगी सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास और आगे लेकर जाना है। ऑफिस और घर की सुविधा आपको एक ही जगह मिलेगी। अब जेर एयरपोर्ट के पास बनाई जाएगी एरो सिटी, जिसमें आवासीय क्षेत्र भी होगा, आबादी क्षेत्र भी होगा, उद्योग क्षेत्र भी होगा, ग्रीन एरिया भी होगा और ट्रांसपोर्टेशन समेत बहुत सारी चीजें होने वाली है और हर क्षेत्र का होगा समान विकास। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बड़े अपडेट। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताना जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।